नमस्कार, दोहरी खबरें बुलेटिन तो 10 स्वागत है। मैं राजकुमार शर्मा। तो सबने से पहले खास खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बारे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुंदे कन्ने मलाटी करी है, आपसी सरबंधे उपर की चर्चा। स्वच्छ भारत अभियान तहत उधमपुर ते रियासी च स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्र अज पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनकी जयंती पर दियार श्रद्धांजलि नेकां कार्यक्रमें का किया गया आयोजन। खबर तफसील करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक थमां बखरे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुंदे कन्ने मलाटी की, आपसी सरबंधे पर चर्चा की। न्यूयॉर्क च मीडिया कन्ने गलबात करते हुए श्री ट्रंप होरें आखिया जे दोवें मुल्क बपार आली गलबात च सही तरीके कन्ने अगे वधा रहे न। शनिवार अमरीका दी तेल बपार दी शीर्ष कंपनी कन्ने श्री मोदी हुंदी बैठक मगरा यह समझौता हुआ। श्री मोदी होरें आखिया जे आने वाले बरे च इस समझौते कन्ने 60 अरब अमरीकी डालर का बपार होग ते रोजगार ते 50,000 नवे मौके पैदा होंगन। एक कुसै भारतीय कंपनी का अमरीका च सबने थमां बड़ा निवेश है। राष्ट्रपति ट्रंप होरें आखिया जे उनेंगी उम्मीद है जे भारत ते पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर तौले गै कोई निबेड़ा कड्डी लैंगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज बड्डलै न्यूयॉर्क च भारत आसिया आयोजित एक प्रोग्राम च होर दुए विश्व नेताएं कन्नै संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय च गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी हुंदी 150वीं जयंती के मौके पर संयुक्त राष्ट्र आसिया जारी यादगारी टिकट का विमोचन किया। श्री मोदी होरें आखिया जे मंच साबित करदा है जे महात्मा गांधी होर भारतीय हे पर ओ छड़े भारत दे नहीं हे। उन्हें आखिया जे जेड़े लोग गांधी जी कन्नै कदें मिले दे भी नहीं हे ओ भी उनके जीवन थमां प्रभावित हे। इस मौके यूएन सैक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ते कई मुल्क प्रमुख भी उत्थे मौजूद है। महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की असली शक्ति पर बल दिया। उन्होंने वो दिशा दिखाई जिसमें लोग शासन पर निर्भर न हो और स्वावलंबी बने। बीते 5 वर्षों में हमने पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी को प्राथमिकता दी है। चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया हो, जनता अब इन अभियानों का नेतृत्व खुद कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें स्वच्छ भारत अभियान आस्तै बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पासिया ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार कन्नै सम्मानित किया गया है। मोदी होरें यह पुरस्कार उन्हें भारतीयों की समर्पित किया जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान की जन आंदोलन च बदल दिता ते अपने रोजमर्रा के जीवन च स्वच्छता की सबने थमां मती पहल दिती। इस मौके पर प्रधानमंत्री होरें आखिया जे 130 करोड़ लोग जिसलै सघन चुकदे न तां ओह कुसै भी चुनौती का सामना करी सकदे न। बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ढाला भी है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मुझे अवार्ड दिया जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभियान शुरू भले ही हमारी सरकार ने किया था लेकिन इसकी कमान जनता जनार्दन ने खुद अपने हाथों में ले ली थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान तहत सीआरपीएफ की 137 बटालियन ने उधमपुर के भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल एक स्वच्छता कैंप लोया। इस मौके बटालियन के कमांडर मोहम्मद खालिद खान और मुख परौने हैं। स्कूल एरे आले दुआले के इलाके च सफाई अभियान चलाया गया। मगरा पत्रकारें कन्नै गलबात करते हुए खान होरें आखिया जे इस मुहिम का मकसद विद्यार्थियों की साफ सफाई के मुल्लें की जानकारी देना है। बच्चों के अंदर में अगर सफाई की महत्ता और स्वच्छता का ये जो गुण है या जो ये महत्ता है ये इनके अंदर अगर आत्मसात हो जाती है तो बच्चे कल को राष्ट्र को जो है स्वच्छ बनाने में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। क्योंकि बच्चे एक लर्निंग स्टेज में होते हैं, चाहे वो हर जगह से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं, वातावरण एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, उनके चारों तरफ क्या है। तो बच्चों के अंदर में जब इस तरीके की क्वालिटीज डेवलप होंगी तो वो बच्चे राष्ट्र को निर्माण में और देश को स्वच्छ बनाने में एक अहम योगदान देंगे।
स्कास्ट जम्मू दे कृषि विज्ञान केंद्र रियासी पासे आज सिंबल चोआ दे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल च स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। बड़ी मती गिनती च विद्यार्थियों ते अध्यापकें सफाई अभियान च हिस्सा लिया। इस अभियान का मकसद मुल्क दे हर हिस्से च सफाई अभियान का संदेश फैलाना है। कृषि विज्ञान केंद्र दे प्रमुख डॉक्टर बनारसी लाल होरें इस मौके सबने की स्कूलें दफ्तरें घरें ते अपने आले दुआले सफाई की आदत अपनाने की अपील की। कई किस्म बीमारी आंतियों की बीमारी बन जाती है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, डायरिया डायसेंट्री लग जाती है। आज हमने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सिंबल चोआ जो है इसके अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया स्वच्छता ही सेवा के ऊपर। इसमें हमने बच्चों को बताया कि कैसे आपने अपना स्कूल को साफ रखना है, कैसे आपने अपना मोहल्ला साफ रखना है, गांव साफ रखना है और कैसे अपने आप को साफ रखना है। और इन बच्चों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने स्वच्छता के ऊपर इन बच्चों को अवेयर किया। सूचना ते सार्वजनिक सरबंधे बारे उधमपुर दे महकमे पासिया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकेंडरी स्कूल उधमपुर च बच्चे च यौन उत्पीड़न कानून बारे एक जागरूकता कार्यक्रम कराया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला सूचना अधिकारी सजाद सुंबरी होरें इस कानून के बख बख पहलुओं पर लोह पाई। मगरा स्कूल के प्रिंसिपल होरें इस चाली का जागरूकता कार्यक्रम करवाने ताई सूचना विभाग का धन्यवाद किया। मेन फोकस इस प्रोग्राम का ये है कि बच्चों में अवेयरनेस पैदा करनी है ताकि वो किसी भी किस्म की सेक्सुअल वायलेंस से के शिकार ना हो। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ तो उस सेक्सुअल प्रेडेटर को सख्त से सख्त सजा दिलानी है। बच्चों को यही चीज जो है लीगल एस्पेक्ट इसका बताना था। बीजेपी के सीनियर नेता कविंदर गुप्ता होरें अज जम्मू च एक पत्रकार सम्मेलन की संबोधित करते हुए आख्या जे 31 अक्तूबर की जिसलै रियासत की दऊं केंद्र शासित प्रदेशों च तब्दील कर दिता जाग तां निर्माण ते सैलसफा उद्योग च मते सारे निवेशक रास पूंजी लाने लई अगड़े होंगन। उन्हें आख्या जे कारपोरेट टैक्स दर च कटौती करने का फैसला कारपोरेट मुनाफे की दर च वाधा करोग ते प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल की शुरूआत होग। इस सभी में हमारे टूरिज्म सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे ये जो पोटेंशियल है इसमें टूरिज्म में और किस प्रकार से यूटी के मंत्री तक हम कर पाए। पहले डिस्क्रिमिनेशन जिस प्रकार से रहती थी जम्मू में भी टूरिज्म को डेवलप किया जाए, इस क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से जो किए गए उसमें रिफॉर्म में बहुत बड़ा इससे बदलाव आएगा। जो होटल्स के रूम जहां तक ₹1,000 के कमरे तक उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था उसको उसी दायरे में रखा गया है, लेकिन 1,000 से लेकर के 7,500 तक जो पहले 5,000 तक जो लेवल था उस पर 18% टैक्स लगता था उसको 12% किया गया। अब जो 7,500 तक है एक ही टैक्स रहेगा, उसको 5,000 वाली जो स्लैब है उसको खत्म कर दिया गया है। 28% का जो रेट 7,500 से ऊपर वाले कमरे में, मुझे लगता है कि जो भी बाहर से टूरिस्ट आएगा हर वर्ष यहाँ पर 1.5 करोड़ यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो टूरिज्म सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। राष्ट्र च पंडित दीनदयाल उपाध्याय होरें गी उन्दी जयंती पर श्रद्धांजलि दित्ता करदा है। इस मौके पर नेका थारे कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय होरें गी श्रद्धांजलि दिंदे होई उन्हें गी मुल्खा दा एक महान व्यक्ति गलाया जिन्हां समाज दे गरीब लोकें दी सेवा करना मुख संदेश हा। भाजपा दे अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ते सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर होरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय होरें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी होरें अज रामबन च जन जागरण अभियान ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर लोआए गए समारोह की प्रधानता की। राज्यमंत्री ते भाजपा के मुकामी नेताएं ते शहरदारें इस मौके पंडित दीनदयाल होरें गी श्रद्धांजलि भेंट की।
रियासत थमां धारा 370 ते 35 ए गी हटाने दे महत्व बारे जागरूकता फैलाने आस्तै मुल्ख भरै च 370 जन जागरण कार्यक्रम करवाए जा करदे न। केंद्री राज्यमंत्री होरें इस मौके श्यामा प्रसाद मुखर्जी होरें गी भी श्रद्धांजलि दित्ती ते जम्मू कश्मीर दे पूर्ण विलय आस्तै उन्दे आसे दित्ते गेदे बलिदान दा चेता नोआया। पार्टी की सरकार ने को रात और रात उठाकर जब भारतीय पार्लियामेंट कांचो थी पहली बार आज धारा 370 जो हटी है उसके बाद में पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब रोजगार मिलेगा यहाँ पर और बाहर से उद्योग भी यहाँ पर आएंगे और जमीन जाने की जो बात कर रहे हैं वो अलगाववादी विचारधारा के लोग हो सकते हैं क्योंकि दूसरे प्रदेश भी हैं जिन प्रदेशों के अंदर वहाँ के स्थानीय युवाओं को ही रोजगार मिलता है, कोई जमीन नहीं जाती है। दूसरा उद्योग आएगा तभी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ताई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना होरें भी पंडित दीन दयाल उपाध्याय हुंदे जन्मदिन पर अज उनेंगी भावभरोची श्रद्धांजलि दित्ती। इस मौके पर तनवाल रजौरी च पार्टी के दफ्तर च एक समारोह का सरिस्ता किया गया जिथे बड़ी मती गिनती च पार्टी कार्यकर्ताएं हिस्सा लैता। कार्यकर्ताएं गी संबोधित करदे होई रैना होरें पंडित दीन दयाल हुंदे पार्टी ते मुल्खै राहीं कीते गेदे योगदान का चेता नोआया। वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारी पार्टी को खड़ा करने में पूरी जान लगाई, पूरी जिंदगी लगाई। किस तरीके से दिन रात वो काम करते थे, ना कोई घर था, ना परिवार, ना कोई फैमिली लाइफ थी। एक प्रचारक की तरह उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक काम किया और उनके जीवन के से जुड़ी बहुत सारी पुंछ नगर च पहली बारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग ते ट्रैफिक पुलिस अधिकारियें सांझा नाका लाइए कई गड्डियें दे चलान कटे। गड्डियें चलाने वाले गी आख्या गया जी ओ समय समय पर प्रदूषण की जांच करवाई है ओदा प्रमाण पत्र अपने कन्ने रखन। उन्हें गी चेतावनी भी दित्ती गई जी ट्रैफिक नियमें की खिलाफवर्जी करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाग। जहाँ तक हमारे पोल्यूशन इसका सवाल है, व्हीकुलर पोल्यूशन का जो धुआं है इनका, जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट्स है उसको हमने देखा, हमने चार पांच चालान तो अभी तक किए यहाँ पे। यहाँ पे अवेयरनेस कम है इस चीज की कि पोल्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है, एयर पोल्यूशन, कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं और बीच यहाँ पे बाजार में हम इसलिए अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमने सोचा था कि एक तो लोगों को भी पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना जरूरी एक पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 26वें BRTC बैच के अंतर विंग खेड टूरनामेंट आज कठुआ च समाप्त हुई है। इस मौके कठुआ के डिप्टी कमिश्नर डॉ राघव लंगर और मुख परौने हैं। 100 मीटर दौड़, टग ऑफ बार, बास्केटबाल, वालीबाल ते कबड्डी मैचें दे फाइनल मैच खेले गए। विजेता टीम की मैडल ते ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मौके DC होरें आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की पुलिस के सखेत्रुए लई इये ने खेड टूरनामेंट करवाने लई सराहना की। मौसम विभाग की सूचना मुजब पिछले 24 घंटे दौरान जम्मू च बदोबद तापमान 32.5 डिग्री सैलसीयस से घट्टो घट तापमान 23.9 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। अखीर च खास खास खबर एक बार परती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बारे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुंदे कन्नै मलाटी करिए आपसी सरबंधें पर की चर्चा। स्वच्छ भारत अभियान तहत उधमपुर ते रियासी च स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्र अज पंडित दीन दयाल उपाध्याय होरें गी उंदी जयंती पर दया करदा श्रद्धांजलि नेका कार्यक्रम दा कीता गया आयोजन। डोगरी खबरें च अज्जे लई बस इन्ना गै। आगे देव नमस्कार।